हाँ जी, की हाल चाल, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉकटेल लवर्ज में। आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं कि नए विस्की के साथ। जैसे कि आपने अभी देख ही लिया होगा, हमारा ये जो एक 360 व्यू, अभी मैं किस लीकर की आज बात करने जा रहा हूँ। ये लीकर ऐसा है भी, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, साथ में दिए हुए बेल आइकन जो रेड कलर का साथ में बटन है उसको दबा लें, और साथ ही साथ उसके साथ घंटे को भी दबा लें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी ये। हाँ जी, आज है हमारे साथ, जैसे कि आपने मेरे बगल में देख ही लिया होगा, मैं किस की बात कर रहा हूँ, महाराजा महाराजा महाराजाओं के टाइम की बात। महाराजाओं के टाइम में जो वो एक बेमिसाल, मतलब कि जैसे कि मैं कहना चाहूँ, ये एक रॉयल जो ड्रिंक को एंजॉय करते थे, वो आज हमारे पास है। यानी कहने का मतलब, हमारे इंडिया का अपना स्कॉटलैंड, हम लोग जो विस्की पीते हैं और मैक्सिमम स्कॉच पीते हैं, वो सब स्कॉटलैंड से ही, वहीं से इंपोर्ट की जाती है, उनके जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं। बट हमारे इंडिया में भी इतना बड़ा स्कॉटलैंड है, तो ऐसा मुझे कुछ समय पहले ही पता चला है। तो मैंने फटाफट इसको बॉटल को बाय करा और ले आया। बड़ी मुश्किल से मेरे को बॉटल ढूंढनी पड़ी। मैं यमुनानगर में रहता हूँ, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, 60 से 70 किलोमीटर दूर अम्बाला पड़ता है, वहाँ जाके मिला है। या इसके बाद सीधा गुड़गांव मिलता है, तो गुड़गांव तो काफ़ी दूर था, मेरी किस्मत अच्छी थी भी मुझे अम्बाला से मिल गया। अम्बाला में एक ही ठेका है, ये नज़दीक जनता चौक भी है, जो बड़ा फेमस चौक है, वहाँ एक सेंटर में ठेका है, वहीं पर ही ये मिलती है। वैसे मैं दो तरह की लाया हूँ, फिर भी आपको मैं मतलब एक का रिव्यू कर रहा हूँ। ये हमारे पास महारानी महानसर की सोमरस, सोमरस, जी हाँ सोमरस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सोमरस जो वो मंत्र मंथन किया था उस टाइम निकला था, नहीं ये वो चीज़ नहीं है। हाँ, पर उससे कम नहीं है ये, हमारे जो विस्की लवर्स है, जो वाइन लवर्स है, उनके लिए ये उससे भी कम नहीं है। तो ये सोमरस के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। ये राजस्थान के मानसर जगह से बनी है, वहाँ पर मतलब काफ़ी बड़ी डिस्टिलरी वगैरह इन्होंने लगा रखी है महाराजों के टाइम से ही, सिंस 1768 1768 सन से ही ये वहीं पर ही बनती आ रही है, और वैसा ही आज भी बना हुआ है। मतलब मानेंगे ये मतलब स्पाइस्ड, मतलब तरह तरह के, हम जो हर्ब सुनते हैं, जो हर्बल टी में सुनते हैं, जैसे लाइक आपके पास अश्वगंधा, ये जो इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, वो सब इसके अंदर है। जी हाँ, वो सब इसके अंदर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, विस्की के अंदर ऐसी चीज़ें भी आती है। ये सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि ये हमारे देश में बन रही है, इसलिए पॉसिबल है। ठीक है, और ये मतलब ट्रिपल डिस्टिलेट, मतलब ट्रिपल, 3 बार से डिस्टिलेट करी गई है, ये इस तरह की विस्की है। इसके अंदर जैसा कि मैं अब आपको थोड़ा बोतल के बारे में बताऊँ, बोतल आप देख ही लीजिए, कितनी प्यारी बोतल है, कितनी प्यारी शेप है, बहुत अच्छी ग्रिप है। बोतल में अगर हम सबसे पहले हम फ्रंट में से देखते हैं, तो बोतल के बारे में बात करेंगे, हम जब बोतल फ्रंट से देखते हैं तो ऊपर लिखा था कलेक्शन, महारानी मानसर का एक ब्रांडिंग है, सोमरस ओरिजिनल्स के नाम से ये बोतल है। इनकी और भी आती है, वो हम फिर किसी दिन बात करेंगे। साथ में लिखो सिंस 1768 की ब्रांडिंग है, भी हाँ 1768 से आ रही है। ये महाराजाओं के टाइम का ये एक वो बना हुआ है, जो सुराहीदार एक होती है ना, वो जब वो मंदिर पान करते हैं, वैसा एक लोगो बना हुआ है। स्पाइस्ड हेरिटेज लीकर लिखा हुआ, क्योंकि ये हेरिटेज लीकर है, इसलिए स्पाइस्ड हेरिटेज लीकर लिखा हुआ है। साथ में ट्रिपल डिस्टिल्ड फ्रंट में लिखा हुआ है, ये भी लिखा है एक्सोटिक ब्लेंड ऑफ रेयर हर्ब, मतलब बहुत ही रेयर हर्ब्स जो अच्छे होते हैं उनकी स्पाइसिस एंड ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाला हुआ, स्पाइसिस भी है इसमें। हम अगर बैक में जाते हैं तो जी ये 750 ml का बोतल है, जैसा कि स्टैंडर्ड बोतल आता है। बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की, इसके अंदर क्या क्या है। इंग्रेडिएंट्स में ग्रेन बेस्ड एक्स्ट्रा नेचुरल स्पिरिट है, ग्रेन से बना हुआ है। उसके साथ साथ इसमें मिनरलाइज्ड वाटर है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सफ़ेद मूसली, पीपल, अश्वगंधा, जायफल, काली मिर्च, लौंग, जेवत्री, अदरक, दालचीनी और क्रेमनल कलर, मतलब कलर भी इसमें ऐड किए गए। आपने जैसे ही अभी सुना है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिक्स है, आप सोच सकते हो कहीं हम काढ़ा तो नहीं पी रहे हैं, काढ़ा तो नहीं पीने वाले, पर नहीं, ये देखते हैं हम इसको। मैं भी फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार इस तरह की विस्की को आपके सामने लाया हूँ, मतलब मैं खुद इसको इंजॉय करूँगा पहली टाइम, और फर्स्ट टाइम इसको मैं टेस्ट करूँगा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका टेस्ट कैसा है। जैसा कि मैं कह रहा था, ये मैं अम्बाला से मैंने बाय करी है, ये मात्र 6 साढ़े 600 रुपये की बॉटल है,
बहुत महंगी नहीं है, 650 से 700 रुपये के बीच, मतलब 600 से 700 के बीच में ही मिल जाती है, और इतने कम प्राइस में इस तरह की चीज़ मिलना इम्पॉसिबल है। बाकी अब आपको हम ज़्यादा टाइम ना करते इसको हम टेस्ट करते हैं और आपसे बड़ी यूनिक तरीके ये है। देखिए जी सील, इसको सील को ना ये यहाँ से ऐसे पकड़ा, एक मिनट, हाँ ये ऐसे किया, बड़े ही प्यारे तरीके से इसकी सील खुल गई है। ठीक है जी, सेफ्टी नोजल वाला वो कैप है। अब हम इसको पोर करेंगे। जब तक इसको पोर किया, जब तक इसको मतलब इसके कलर सेटल डाउन होते हैं, मतलब जो भी डेंसिटी है, तो थोड़ा सा और बात कर ले इसके बारे में। बोतल के ना एक साइड में बड़ी अच्छी तरीके से मानसर की ब्रांडिंग कर रखी है और दूसरी साइड इसका ईयर लिखा हुआ है, 1768 में ये बना है। और सबसे बड़ी बात, पीछे इसका एक ना महाराजों के टाइम का एक लोगो भी एम्बोस है बोतल के पीछे, देखिए अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारी बोतल है ये, जो डिस्टिल्ड बोतल एंड बोटल बाय है, ब्लेंडेड एंड बोटल बाय है, वो शेखावती हेरिटेज हर्बल प्राइवेट लिमिटेड करती है, जो भी खसरा नंबर, मतलब कोई गांव वाम होगा वहाँ खसरा नंबर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो अल्कोहल क्वांटिटी है 37.5% वॉल्यूम है, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं है, क्योंकि ये अल्कोहल ज़्यादा मतलब कहते हैं टल्ली होने के लिए नहीं है, ये इंजॉय करने के लिए, क्योंकि महाराजा उस टाइम बड़े ही भरपूर मज़े से इंजॉय करते थे, ये उस तरह का ये बॉटल है। ठीक, अब हम इसको नोजिंग करेंगे और आपको बताएंगे इसके अंदर रियलिटी में ऐसी जो चीज़ें बता रखी है, जो मैंने आपसे बात करी भी, ये हर्ब्स है, उस तरह का हर्ब्स का मतलब कुछ है, मतलब नोजिंग में भी आता है। ओह माय गॉड, दालचीनी का बड़ा खतरनाक मतलब खुशबू आ रहा है जो नोजिंग हो रही है। इलायची वाकई में छोटी इलायची बड़ी इलायची की भी, क्योंकि जो ये दालचीनी और छोटी इलायची बड़ी इलायची हम जनरली घरों में चाय वाय में यूज़ करते, तो उसका हर इंसान को बखूबी पता होगा कि ऐसा भी आ सकता है। थोड़ा हनी भी लग रहा है, बादाम वगैरह या ड्राई फ्रूट्स होता ना उसका भी आ रहा है। अल्कोहल का 1% भी पंच नहीं लग रहा, जैसे अल्कोहल की एकदम बक्का सा आता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, वाकई में लाजवाब लग रहा है। वो ही इतनी प्यारी है तो इसमें पीने में क्या मजा होगा, वो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगा लाइफ में, मतलब देखते हैं जी। चलो चीयर्स करते हैं। चीयर्स। इतना जबरदस्त टेस्ट है जी, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं जुबान से बयान नहीं करता, बर्निंग है बट टेस्ट इतना प्यारा टेस्ट है, मतलब मैंने आज तक ना कई विस्की ट्राई करी है, आज तक मैंने ऐसा टेस्ट नहीं किया, इतना आफ्टर टेस्ट, मतलब इतना बढ़िया टेस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मुंह में ना दालचीनी का एक खुशबू या फ्लेवर ना जैसे ऐन घुल गया है, जरा भी ही करवाहट नहीं है इसके अंदर, अलग ही लेवल का टेस्ट है वाकई में, ये महाराजा के टाइम के जो है ना वाकई में कोई चीज़ है, पीते थे तो इंजॉय करता। अब मैं एक दोबारा लेता हूँ, किसी का गला गुला खराब हो ना, जैसे होता है ना गला खराब, ये पी लेगा बंदा कहेगा जी वाकई में कोई दवाई पिलाई है, मतलब दवाई जैसा है। अब ये इसको ना मैं थोड़ा पानी मिलाऊंगा, इससे ना इसका जो टेस्ट है ना एक्सप्लोर कर देगा थोड़ा, जरा सा मिलाऊंगा जरा सा, ताकि टेस्ट थोड़ा एक्सप्लोर कर दे। और इसको हाँ, इसको ऑन द रॉक्स पी सकते हैं, ऐसा टेस्ट है, ऑन द रॉक्स आप बर्फ़ डालें एक पैक बनाएं और बड़े आराम से सिप सिप कर पिए, और खाने में अच्छा खासा कुछ हो तो। वाह वाह ताज वाह, जैसे कहते हैं ना वाकई में, मैं कहूँगा वाह महाराजा वाह, वाकई में महाराजा महाराजा होते थे। आज मुझे भी लग रहा है मैं पी के एक महाराजा स्टाइल में, मतलब अपने आप को महाराजा फील कर रहा हूँ, क्योंकि वाकई में इसका टेस्ट ऐसा है। मैं सबको रिकमेंड करूँगा जी, आप लोगों लोग
जितनी मर्जी महंगी दारू पी लीजिए, स्कॉटलैंड को ये इधर स्कॉच पी लीजिए, ब्लेंडेड पी लीजिए, सिंगल माल्ट, डबल माल्ट, ब्लेंडेड माल्ट, ये वाकर वो वाकर, बट इसके आगे सब फेल है। इसको पीने के बाद इंसान को बीमार नहीं पड़ेगा, जवान हो जाएगा ऐसे है, क्योंकि हर्ब्स जा रहे हैं आपके अंदर। कई बार हम कहते हैं ना, अभी बनाते हैं ना वो फक्की बनाते हैं पंजाब में, कहते हैं ना फक्की बना लीजिए, ये पाली वो पाली, सफ़ेद मूसली, ये वो फलाना बना। मैं अगर जरूरत नहीं है, आप ये पियो, इन्जॉय करो, इन्जॉय इन्जॉय होता है, और एल्कोहल की आपको टेंशन नहीं, ज़्यादा हार्ड इसमें एल्कोहल पंच है नहीं है, जस्ट एक टेस्ट है, और मतलब अलग ही अलग टेस्ट है, मतलब ये विस्की का टेस्ट नहीं होता। वेरी नाइस, मज़ा आ गया जी। ठीक है, तो ठीक है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अभी मैं ये पैक ख़त्म कर लूँ, फिर मैं वीडियो भी ख़त्म कर देता हूँ। आज मेरे को पी बिल्कुल नहीं लगा, मैंने ड्रिंक करी है, अलग ही लेवल का टेस्ट, अलग ही लेवल का। मेरे पास एक और प्रोडक्ट है इसी मतलब कंपनी का है, महाराजा महारानी नहीं सॉरी महारानी मानसर के नाम से एक और है, वो मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगा, दिखाऊंगा भी क्या है वो चीज़, वो भी बड़ी शाही चीज़ है, तो उसका भी हम रिव्यू करेंगे, वो भी मैं फर्स्ट टाइम लूँगा, आपके सामने खोलूँगा बॉटल और आपके सामने पीऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, जिसने लेनी अम्बाला जाके ले सकता है, अगर यमुनानगर के आसपास है। ओके जी, मिलते हैं, बाय बाय। पीओ और जियो, आज मेरे फादर साथ में नहीं है, वो थोड़ा बाहर है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसको वीडियो का डिले ना करते हुए एक बना ही लेते हैं, बहुत अच्छी वीडियो, आई लाइक इट।